हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी मॉर्निंग का 9 o'clock हो चुका है। नहीं नहीं 10 o'clock हो चुका है। तो अभी कुछ काम ख़त्म नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा पोहा बनाने का सोचा है। अभी थोड़ा सा पोहा बनाती हूँ। पोहा बनाने के बाद बाकी घर का काम पड़ा है। आज सोच रही हूँ कि थोड़ा किचन का ट्रॉली जो भी है वो सब साफ़ कर लूँ। और संध्या आई नहीं अभी तक। संध्या आ जाएगी तो थोड़ा बर्तन माँज देगी मेरा। मैं बर्तन नहीं माँज सकती क्योंकि मुझे ना स्पॉन्डिलाइजर्स है, तो 4 साल हो गए स्पॉन्डिलाइजर्स को। तो गर्दन बहुत पेन होता है। अगर मैं बहुत समय तक नीचे झुकी रहूँ तो गर्दन बहुत पेन होता है और मैं कुछ भी काम नहीं कर पाती हूँ। तो इसलिए संध्या को रखा है। संध्या सिर्फ मेरी बर्तन माँजती है, बाकी का घर का काम मैं कर लेती हूँ। पर संडे के दिन संध्या करती है। संडे के दिन संध्या का दोनों ड्यूटी रहता है, घर झाड़ू पोछा और बर्तन। तो अभी वो आ जाएगी, अभी तक नहीं आई है। और आने के बाद वो जब सब काम ख़त्म करके जाएगी फिर मैं थोड़ा सा बनाऊँगी हमारे लिए पोहा। तो पोहा खाएँगे और कुछ सोचूँगी लंच के लिए। चलिए तो फिर बनाते ही हूँ पोहा। हाँ, सोचती हूँ कि कुछ मैं आज थोड़ा किचन भी साफ़ कर लूँ ना, तो फिर ट्रॉली वगैरह साफ़ करने का है ना, तो ट्रॉली भी साफ़ करने का है मुझे। तो थोड़ा साफ़ सफाई चालू है अभी। फ़ैन भी बहुत गंदा हो चुका है, थोड़ा फ़ैन भी पोछने का है। तो आज सब साफ़ सफाई है तो कर लेती हूँ। अभी मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में देखिए साफ़ सफाई चालू है। अभी एक एक ट्रॉली निकाल के मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ। पहले ट्रॉली में मैंने कप वगैरह रख दिया। अभी ये गेट आउट करके एक मेडिसिन आता है जो कि कॉकरोच भगाने के लिए बहुत अच्छा है। ये मेडिसिन आप लगाओ, ये ऑइंटमेंट ला के मार्केट में मिलता है। इसका नाम है गेट आउट और कॉकरोचों के लिए बहुत ही अच्छा है। कुछ भी कॉकरोच नहीं रहता है, जैसे कि ट्रॉली वगैरह में कॉकरोच रह जाते हैं तो फिर करना पड़ता है। ये देखिए मैंने ऊपर का जो भी ट्रॉली है उसको कैसे कप वगैरह रख दिया है उधर। तो नीचे के ट्रॉली में मैं टिफ़िन रखूँगी। हमारे घर में बहुत सारे टिफ़िन्स हैं तो टिफ़िन्स में रखती हूँ, क्योंकि मैं ऑफिस जाती थी तो गुड्डू भी, और गुड्डू को 2 टिफ़िन लगते हैं उसके पापा को, तो बहुत सारे टिफ़िन्स मैंने ख़रीद के रखे हैं। प्लास्टिक से लेके स्टील से लेके बहुत सारे टिफ़िन्स है। तो सेकेंड फ्लोर पूरा टिफ़िन में मैंने रख दिया और नीचे का फ्लोर में रखूँगी सब कुकर वगैरह। मेरे पास 3 कुकर हैं तो उसको भी रख दूँगी नीचे से। नीचे सब थोड़ा सा ट्रॉली बड़ा है तो फिर बड़े बड़े जो भी बर्तन है वो रह जाते हैं आराम से। तो मुझे पेपर डाल के रखने में बहुत अच्छा लगता है। अभी देखिए संध्या भी आ चुकी है, अभी वो बर्तन माँज देगी। बर्तन माँज के झाड़ू पोछा करके जाएगी। संडे उसका डे रहता है झाड़ू पोछा का, तो वो झाड़ू पोछा करके जाती है। बाकी सब दिन में मैं ही करती हूँ झाड़ू पोछा, सिर्फ वो बर्तन डेली माँजती है आके। तो इसलिए अभी संध्या साफ़ कर रही है। और कितना सारा देखिए नीचे सब पड़ा है, अभी धीरे धीरे करके साफ़ सफाई करना है। अभी उसका पोछा स्टार्ट हो गया है, वो अच्छे से पोछेगी घर को। संध्या का पोछना मुझे बहुत ही पसंद है, वो हमारी घर के मेंबर जैसे ही है। बहुत अच्छी है वो, बहुत अच्छे से और डेडिकेशन के साथ अपना काम करती है। एकदम नीट एंड क्लीन कर देती है घर को, जो बहुत अच्छा लगता है उसका काम। कभी भी कुछ भी बोलो तो कभी कुछ बोलती नहीं है, अपने आप काम करती है और अपने आप जाती है वो। तो ये देखिए अभी साफ़ सफाई वो कर लेगी। कर लेने के बाद मैं थोड़ा पोहा बनाऊँगी। वो जैसे भी जाएगी तो फिर मैं पोहा बनाऊँगी थोड़ा। गुड्डू उधर बैठ के कार्टून देख रही है। देखिए संध्या का काम हो चुका है और किचन मैंने साफ़ कर लिया है पूरा। और ये देखिए ऊपर के फ्लोर में मैंने सब कप्स वगैरह रख दिए हैं। तो जो भी रेगुलर कप्स रहता है चाय वाय पीने को, सेकंड में मैंने टिफ़िन रखा। और इधर मैंने कुकर वगैरह रख दिया और मच्छी का जो भी मैं मछली और चिकन के लिए मैंने यूज़ करती हूँ बर्तन उधर रख दिया। ये स्पून का सेट और जो भी करछी वगैरह है वो, और ये ग्लासेस छोटे छोटे जो भी बर्तन है वो रखती हूँ। ये साइड में मैं जो बड़े बड़े बर्तन हैं वो रखती हूँ मैं। और ये ऊपर के फ्लोर में भी कढ़ाई वगैरह रेगुलर चीज़ें मैं रखती हूँ, हॉट केस कढ़ाई। और इधर सब प्लेट्स वगैरह रहती हैं आटा गूंदने का, इडली का सांच वगैरह, वैसे रखती हूँ मैं। अभी देखिए गैस वगैरह से लेके सिंक वगैरह सब मैंने साफ़ कर दिया है पूरा मैंने। और अभी गुड्डू मेरी बाहुबली देख रही है। अभी थोड़ा सा संध्या काम कर रही है तो फिर हम दोनों ने, गुड्डू ने कार्टून लगाया था पर पता नहीं अभी थोड़ा बाहुबली पिक्चर दे रहा है तो वही देख रही है। उसने शायद रिकॉर्ड तोड़ दिया होगा बाहुबली का, 100 times देखा होगा उसने। तो ये देखिए वो सो के देख रही है इधर से। से हाय। हाँ, देख लिया आप लोगों ने,
कैसे मेरी गोदी में सो के वो देख रही है आराम से बाहुबली, तो उसको क्या अच्छा लगता है पता नहीं, 100 times वो क्रॉस कर चुके हैं। मैं बोली रिकॉर्ड है तेरा। अभी मैं प्रिपेयर कर रही हूँ पोहा का, प्रिपेयर कर रही हूँ। ओनियन कट कर दिया मैंने, अभी थोड़ा सा गाजर लेती हूँ मैं। पोहा मतलब मैं मिक्स वेजिटेबल पोहा बना रही हूँ, तो वेजिटेबल पोहा के लिए मुझे सब वेजिटेबल लगते हैं, क्योंकि गुड्डू वेजिटेबल खाने को थोड़ी सी आनाखानी करती है, तो इसलिए मुझे सब वेजिटेबल डालना ही पड़ता है इसमें, और मुझे वेजिटेबल्स बहुत पसंद है। हाँ, तो फिर मैं मटर हो या फिर गाजर हो, सब मैं डाल के, बीन्स वगैरह सब डाल के मैं बनाती हूँ। उपमा हो या फिर इवन कि मैं अगर मैगी भी बनाऊँ तो सब टाइप के वेजिटेबल डाल के ही बनाती हूँ, बॉयल करके मैं नहीं खाती। गुड्डी के पप्पा को पसंद है वैसा ओनली बॉयल करना, क्योंकि उनको वेजिटेबल पसंद है तो वो बॉयल करके ही खाते हैं, पर मुझे सब वेजिटेबल डाल के बनाना पसंद है, तो वेजिटेबल डाल के ही मैं बनाती हूँ सब। तो अभी मैंने गाजर और बीन्स कट कर दिए हैं, ये देखिए बीन्स को मैं अच्छी तरह से कट कर रही हूँ। अभी वेजिटेबल बहुत अच्छा रहता है खाने के लिए, बहुत टेस्टी लगता है। आप लोग डालते हो या नहीं पता नहीं है, पर हर चीज़ में आप वेजिटेबल डाला करो, इवन कि उपमा हो या फिर जो भी हो, सूजी का उपमा बनाओ आप या सिमैया का उपमा बनाओ, तो फिर आप मिक्स वेज पुलाव बनाओ, तो फिर आपको वेजिटेबल्स तो डालना ही पड़ता है। वो उस वेजिटेबल्स के बिना मेरे हिसाब से तो मज़ा नहीं आता है, इतना अच्छा वेजिटेबल्स मिलता है। अभी मार्केट में ठंडी का सीज़न है, तो आप देखें जैसे भी मार्च तक आ जाएंगे, मार्च का महीना आते ही हमें वेजिटेबल्स मिलना कम हो जाएगा। अभी तो बहुत मिल रहे हैं, और इसका जो बेनिफिट्स है वो हमें उठाना चाहिए। अभी ये देखिए गाजर कट करके रख दिया, मटर रख दिया, प्याज रख दिया, टमाटर, हरी मिर्च मैंने कट कर दिया। अभी ये थोड़ा ओनियन लीव्स ले रही हूँ मैं, इसको भी मैं कट कर लेती हूँ, तो अच्छा भी लगेगा। अभी मैंने एक कढ़ाई लिया है, उसमें मैं डालती हूँ अभी थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ। ऑयल जैसे भी गर्म हो जाता है, तो थोड़ा सा मैं उसमें जीरा छोड़ देती हूँ, और थोड़ा सा हींग भी डाल देती हूँ। हींग से बहुत अच्छा खुशबू आता है, और मेरा हींग इधर का नहीं आता है, हींग मैं मंगवाती हूँ केरला से। तो ये एवरेस्ट के डब्बे में रखा है, तो आपको लग रहा होगा कि नहीं एवरेस्ट का ही हींग मैं यूज़ कर रही हूँ, पर एवरेस्ट का हींग नहीं यूज़ करती मैं। केरला से मेरे ससुर जी जब आते हैं तो, या फिर हम जाते हैं तो उधर से हींग लाते हैं, बहुत ही खुशबूदार हींग रहता है, उसमें फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और सेंटेड बहुत अच्छा है उसका। तो आप बनाओगे तो फिर पूरा फ्लैट महकेगा, ऐसे ही होता है वो हींग का खुशबू। तो वो भी मैं दिखाऊंगी एक बार कैसा हींग है वो। अभी मैंने प्याज डाल दिया है, प्याज को थोड़ा सॉटे करूँगी, देन हरी मिर्च भी डाला है। जैसे भी प्याज का कलर थोड़ा सा हल्का सा चेंज हो जाए तो मैं सारा वेजिटेबल डाल दूँगी और अच्छे से उसको मिक्स कर दूँगी। अभी देखिए सब वेजिटेबल्स मैं डाल रही हूँ, बीन्स, गाजर, मटर, जो भी मैंने कट किया था, जिसमें आप कॉलीफ्लावर और आलू वगैरह छोटे छोटे कट करके भी डाल सकते हो, पर आलू मैंने नहीं डाला है और कॉलीफ्लावर मेरे घर में ख़त्म हो चुका है, तो इसीलिए जितना वेजिटेबल्स मेरे पास था वो मैंने डाल दिया है अभी। तो अभी मैंने देखिए ये छन्नी में मैंने पोहा को लिया है, पोहा, और हम इसको हमारे साइड में चूड़ा बोलते हैं और इधर महाराष्ट्र में पोहा बोलते हैं। तो इसको अच्छी तरह से हम धो लेंगे, इसको तो धो के तो उसका स्ट्रेन कर देंगे, सब पानी चला जाएगा जैसे भी, फिर हम इसमें डाल देंगे। तो ये थोड़ा नमक डाला मैंने, अच्छे से सॉटे हो रहा है, और ज़्यादा इसको नहीं पकाएं, क्योंकि वेजिटेबल्स ज़्यादा पकाएंगे तो उसका विटामिन जो है ख़त्म हो जाता है, तो थोड़ा सा कच्चापन रखिएगा, ज़्यादा आप ओवर कुक नहीं कीजिएगा कोई भी चीज़ों को, वो अच्छी बात नहीं होती है, उसका जो भी रहता है विटामिन वगैरह वो ख़त्म हो जाते हैं। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटोज, एक टमाटो मैंने लिया है, टमाटो लेना ज़रूरी होता है क्योंकि वो खट्टापन सा थोड़ा आता है ना, तो टेस्ट लगता है इसमें। तो ये देखिए अच्छे से मैं अभी इसको मिक्स कर रही हूँ, टमाटो भी हो गया अच्छे से, ये हो गया अभी, थोड़ा सा हल्दी मैंने ऐड किया इसमें, तो इसमें ज़्यादा मैं कुछ नहीं ले रही हूँ, तो मिक्स वेजिटेबल पोहा बना रही हूँ, तो सब वेजिटेबल्स डाल दिया, हल्दी डाल दिया, ऑयल भी हो गया, बस इसमें थोड़ा सा मैं गरम मसाला, या आपके पास किचन किंग वगैरह होगा तो थोड़ा सा डाल दीजिएगा बस, और कुछ नहीं, उसका टेस्ट और फ्लेवर बिल्कुल भी चेंज हो जाएगा, मसालेदार लगेगा और टेस्टी भी लगेगा बहुत, क्योंकि वेजिटेबल्स डाला है।
तो इसलिए मैं डाल रही हूँ। अगर वेजिटेबल्स नहीं डालती तो फिर मैं कोई भी मसाला यूज़ नहीं करती, ओनली हल्दी में यूज़ कर देती हूँ। थोड़ा सा वेजिटेबल्स डाला है इसलिए मसालेदार फ्लेवर आना चाहिए, इसलिए मैंने डाला है। तो अभी देखिए ये बिल्कुल भी हो चुका है अभी, तो अभी मैं पोहा को सब भी डाल देती हूँ। अभी जो सोख करके पोहा रखा है ये देखिए, भिगो के रखा था पोहा मैंने, तो पानी सब जा चुका है। आप ऐसे ही स्ट्रेनर रख लीजिएगा तो सब पानी निकल जाएगा। तो अच्छे से मिक्स भी कर देना का है इसको। ये देखिए अभी सब हो गया, अभी इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी मैं, है ना। अच्छा सा कलर लग रहा है ना, वाइट ग्रीन रेड येलो, वाह वंडरफुल, बहुत ही अच्छा दिख रहा है ना, कलरफुल दिख रहा है, मुझे तो मस्त लग रहा है। ये टेस्टी भी है, ये आप लोग एक बार करो और कैसा लगता है मुझे ज़रूर बताइएगा। आप मेरे चैनल अगर अच्छा लगता है आपको, ज़रूर आप लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आप लोग भूल जाते हो करने के लिए, वीडियो वगैरह देखते देखते ना आप पूरा भूल ही जाते हो कि हमें लाइक करने का है करके, तो पहले ही लाइक कर दिया कीजिए फिर आप वीडियो देखा करो। ये देखिए अभी ओनियन लीव्स को मैंने कट कर दिया, वो ऊपर से मैंने गार्निश कर दिया, थोड़ा सा धनिया पत्ता भी डालूंगी अभी, तो वो भी हो गया। अभी मज़ेदार पोहा रेडी है, अभी गुड्डू और मैं खाएंगे, खा के हम दोनों मिलके देखेंगे बाहुबली। तो बाहुबली चालू है गुड्डू का, वो पूरा अभी 3 बजे तक देखेगी, तो पोहा खाएगी, पोहा खा के देखती रहे, फिर मैं उसके बाद लंच का प्रिपरेशन करूँगी। तो अभी देखिए ये हो चुका है, आपको देखने में बहुत अच्छा लग रहा है ना, टेस्ट भी बहुत अच्छा है। आप घर पे करिए और मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि ये कैसा बना था आपके इधर, और इसमें और कुछ ऐड कर सकते हैं क्या, और इसको और कुछ टाइप का बना सकते हैं क्या, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो टिल देन बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मैं बताऊँगी और क्या बनाती हूँ।